गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम जा रहे हैं करोल बाग टू शॉप सम वेडिंग स्टफ। मोस्ट स्पेसिफिकली मैं अपने भाई के लिए का आउटफिट सेलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। सो हम तीनों भी निकले हैं ऑलरेडी। इसका एंगेजमेंट का आउटफिट हो चुका है, हमें वो भी पिक करना है। मे बी वो आज शायद ही मिलेगा, टेंटेटिव है। तो हमने सोचा अगर हम वहीं जा ही रहे हैं तो एक बार हम इसका वेडिंग का आउटफिट भी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया अब सिलेक्ट करने के लिए। जब भी हम कुछ आउटफिट पिक करते हैं 10 डेज तो मैक्सिमम लगती है फॉर द फिटिंग एंड स्टिचिंग। तो हमने सोचा कि हम लाइक कर ही लेते हैं, अब बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया है। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा चूज़ी है तो इसको बहुत टाइम लगता है। और अभी लाइक हमने दो ऑप्शन रखे हैं, इंडो वेस्टर्न और एक और उसने कुछ सोचा हुआ है कि इसको पिक करना है अगर वैसा मिल गया तो। सो तूने कुछ सोचा है, क्या प्लानिंग की है, दिमाग में है तेरे? लाइक एक चीज में तो बिल्कुल क्लियर है कि इसको ब्लैक आउटफिट ही चाहिए, लाइक इसको और कोई कलर ऑप्शन देखना ही नहीं है। तो ब्लैक पे ना लाइक एक होता है कि पैटर्न अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शाइनी वाला, अगर वो बिल्कुल प्लेन हुआ तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं थोड़ा शाइनी आउटफिट मिल जाए हमें ब्लैक कलर में ही। तो हम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शॉप्स भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, और हम देख रहे हैं जहाँ से हमने एंगेजमेंट वगैरह का आउटफिट चूज़ किया सबसे पहले हम वहीं पे जाएंगे, अगर उनके पास कुछ नया कलेक्शन आया होगा तो वहाँ पे चेकआउट करने के लिए। तो मेरे तो दोनों मेरे ऑलमोस्ट सारे आउटफिट हो चुके हैं, लाइक इन लोगों के ही रह रहे हैं। मेरे मम्मी के आउटफिट सेट हो गए हैं सारे के सारे, लास्ट इसके ही रह रहे हैं टू फाइनल करने के लिए। तो लेट्स सी, दिखा हुआ ले ले, तू ले ले पहले, जोड़ दिया उसको। हमने पैकिंग कर दी और हम करोल बाग पहुंच गए हैं। वो दोनों पिछले को पैकिंग कर रहे हैं, तो हमने बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास ही पैकिंग करी है। अब हम आगे जा रहे हैं अपने मिशन के लिए, और कहीं धूप छाँव हो रही है तो फ़ोन की सेटिंग भी ख़राब हो रही है कितनी ज़्यादा। मेरा फेमस पास्ता वाला भी बैठता है बिल्कुल मेट्रो के सामने, मैं उनको बोल रही हूँ कि खाते हैं यार, खुद देखना कितना बेकार, और ये मना कर रहा है। ऑल्दो पता नहीं इतना अच्छा तो खैर होता नहीं, आई डोंट नो वो फेमस क्यों है, वो इतनी क्वांटिटी में बनाता है ना वो। देखिए थोड़ी बहुत भूख तो लगी रही है, और लकीली अब हवा भी चल रही है बढ़िया सी। मम्मी मेरी है हाँ। सो गाइस दिस इज द वायरल पास्ता, क्या मोमोज भी हैं, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के सामने ही है। जूस पास्ता, हर्ष तो कह रहा है मैं नहीं खा रहा, तो मैं बोल रहा हूँ एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं। धूप बहुत तेज हो रही है इसलिए मैं फुल स्लीव्स पहन के आई हूँ। सो गाइस वी आर ईटिंग द पास्ता, थोड़ा कच्चा है, बहुत ज्यादा कच्चा है, और मैं भी खा रहा हूँ। स्पाइसी हो रहा, वहाँ से खा लेती हूँ, थोड़ा स्पाइसी है, बहुत स्पाइसी है। सो गाइस हम यहाँ पे ना इयररिंग्स देख रहे हैं, इन भाई के पास बहुत ज़्यादा ही वैरायटी है, तो हमने कुछ ये वाले इयररिंग्स पिक किए हैं, हर एक कलर के ले लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कलेक्शन है, हर शेक पे घुमाइए ऊपर वाला, हर शेक पे हाँ मैंने यही बोला था हर्ष को। सो गाइस आफ्टर द इयररिंग शॉपिंग हमने स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना करोल बाग। सो मैं ऑलरेडी वहाँ पे लाइक काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स देख के गई थी, तो मैं सोचा जितनी भी शॉप्स है एक बार मैं जाऊँगी वहाँ पे, प्राइसिंग चेक करूँगी और कलेक्शन देखूँगी हर जगह की कैसी है कैसी नहीं, जहाँ की मुझे बेस्ट लगेगी तो उसमें शॉर्ट लिस्ट करके हम देखेंगे। तो हमने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स देखे, लाइक मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है। इन लास्ट हम गए एक सनी करके शॉप था, इनका जो लोकेशन है मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहीं से चेकआउट कर लेना। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी हर चीज़ की, चाहे आप टक्सीडो बोलो, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, इनके पास सब चीज़ थी। तो हमने यहाँ पे चेक किया मेरे भाई के लिए आउटफिट, उसको ना ब्लैक में ही चाहिए था, वो बड़ा क्लियर था कि मैं कुछ भी लूँगा वो ब्लैक में होना चाहिए। तो उसने ब्लैक के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस ट्राई किए कि अलग अलग स्टाइल में, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो उसने पहले जोधपुरी ट्राई किया, इंडो वेस्टर्न भी उसने ट्राई किया, और लाइक वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया था कि इसको कौन सा वाला पिक करना है। तो हमने उसको बोला एक बार तू ब्लैक में ब्लू भी ट्राई कर ले, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा पिक्चर्स वगैरह में। सो या तो मैं सोचा हम यहाँ पे आए हैं तो मैं थोड़ा बहुत शेरवानी का भी चेकआउट कर लेती हूँ कि कैसे यहाँ पर डिज़ाइंस वगैरह हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे।
हमने जितने भी मेल आउटफिट्स हैं, चाहे आप ग्रूम की बात करो या फिर उसकी फैमिली या मेरी फैमिली की, हमने मोस्टली कपड़े यहीं से शॉप किए हैं। तो हर्ष ने सोचा कि मैं यहाँ पे अपने वेडिंग के कपड़े लेने आया ही हूँ, और तो मैं अपना कुछ और भी वेस्ट कोट वगैरह चेक कर लेता हूँ फॉर छोटे मोटे फंक्शंस के लिए। तो उसने फाइनली फाइनल कर लिया एक आउटफिट जो कि आपको बहुत जल्दी मैं दिखाऊंगी। एंड उसके बाद हम चले गए थे सेलेटोज, वहाँ से मुझे कुछ हील्स पिकअप करनी थी फॉर आफ्टर वेडिंग के लिए, कि साड़ीज़ वगैरह पे जो अच्छी लगे। तो मुझे ये बो वाली हील बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी एंड ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी थी। नीचे उसके बाद हमने चेकआउट किया मेन सेक्शन फॉर हिज़ शूज़। तो उसने बोला मैं एक बार अपने एंगेजमेंट के लिए चेक कर लेता हूँ वहाँ पे, क्योंकि इसका जो एंगेजमेंट आउटफिट था उसको एग्जैक्टली उसके मैचिंग के शूज़ चाहिए थे, और लकीली वन गो हमें वो शूज़ मिल गए थे। ओनर शॉप जहाँ पे सारे चश्मे 100-100 रुपए के मिल रहे हैं, यशमान देख रहे हैं। हमने एक ये वाला लिया है हल्दी के लिए, और एक ये इसमें लिखता ना टीम ब्राइड। तो यहाँ पे ना बहुत सारी वैरायटी है। नहीं, और इसमें ये वाले भी हैं, बढ़िया लग रहा है। हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी सेलेटोज़ पे, उसके बाद भी सेलेटोज़ का है। इसने भी कुछ लिया है पहनने के लिए, और मैंने भी लिया है, मम्मी ने भी, सब ने लिया है सेलेटोज़ से। गाइस, हम करोल बाग से निकल कर यहाँ पे डेली कैंट में आ गए हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो हमने अभी जस्ट अपना खाना ऑर्डर किया है, और जितनी हमें शॉपिंग चाहिए थी जो हम एजेंडा लेके आए हुए थे आज की ये करेंगे, वो ऑलरेडी हमने कर ली है। तो इसके लाइक अभी आज हमें नेक्स्ट वीक इसके कपड़े मिलेंगे पूरे प्रॉपर स्टिच इसके साइज़ में। तो हमें नेक्स्ट वीक दोबारा से एक बार करोल बाग आना पड़ेगा, और हमारे साथ बहुत से लोग आएंगे जिनके कपड़े हमें दे रखे हैं कि हाँ फिटिंग चाहिए। तो हमने अभी ऑर्डर किया है, पता नहीं फ़ोन में क्या दिख रहा है, आई डोंट नो। और लकीली आज मौसम अच्छा था, ज़्यादा धूप गर्मी नहीं थी, और मैंने सेलेटोस से बहुत ज़्यादा स्लीपर्स भी लिए हैं। अगर मुझे टाइम मिला मैं खड़ा आके आपको ज़रूर शो करूँगी कि मैंने कौन कौन से फुटवेयर पिक किए हैं, और इसने भी एक फुटवेयर पिक किया अपना मैचिंग का। सो या तुझे कुछ बोलना है? तो अभी सब थके हुए हैं, तो हम यहाँ से अभी फटाफट डिनर करके सॉर्ट ऑफ डिनर अर्ली डिनर के अभी 7 ही बज रहे हैं, बट हमें बहुत भूख लग रही है, हमें दिन में कुछ नहीं खाया था। तो मैं घर जाके एक बार आपको मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। सो गाइस, फाइनली आई एम बैक होम। तो मैंने जैसे बोला था कि मैं आपको घर आके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया, तो मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ कि मैंने सेलेटोज से कौन कौन से फुटवेयर लिए हैं। मैंने कुछ 50-60% ऑफ लग रहा था, तो काफ़ी अच्छे डील्स में मिल गया मुझे आइटम्स। तो फुटवेयर मैंने पिक किया, एक फुटवेयर मम्मी ने पिक किया है। जो फर्स्ट मैंने पिक किया था वो है कुछ ऐसे बेली टाइप का, जो कि ये बेली टाइप का जिसकी बहुत कम छोटी सी हील है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लगा। कुछ ऐसी ब्लिंगी ब्लिंगी सी दिखेंगी गाइस, एंड इज़ आर सो डैम कम्फर्टेबल एंड प्रिटी। इनका कॉस्ट सिर्फ 700 रुपीज़ में मुझे फुटवेयर मिला था, मैं सोचा कि काफ़ी लाइक अफोर्डेबल, तो मैं पिक करती हूँ, क्योंकि मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। इसमें ना कुछ बोसा बना हुआ है, और इसमें हल्की सी हील है। मे बी मैं सोच रही हूँ कि ये वाली जो हील है मैं एंगेजमेंट में पहनूँ, आई एम नॉट श्योर। ये कुछ ऐसी हैं बो की, इसमें बहुत ही परफेक्ट हील है जो कि मैं एवरीडे के लिए पहन सकती हूँ इसमें, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी थी। ऐसे कुछ मेरा पैर अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, प्लस इसका डिज़ाइन एंड लुक बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इसका जो प्राइस था मे बी 850 या 900 रुपीज़ की मैंने कुछ परचेज़ की थी। साइज़ जो लास्ट पेयर है वो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बट उसमें मेरे लिए साइज़ नहीं था। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें दो कलर थे, एक रेड और ग्रीन कलर का, बट दोनों में मेरा साइज़ नहीं था। तो मैंने बोला मम्मी आप तो पिक कर ही लो, ये मुझे बहुत अच्छी। लुक एट दिस, ये पार्टी अप्रोप्रिएट के लिए ज़्यादा अच्छा है, तो मम्मी इसको वेडिंग डे पे भी पहन सकती है, क्योंकि मम्मी ये साड़ी कुछ रेड से कलर की है। सो या एंड गाइस, इसका प्राइस सिर्फ मेरे ख्याल से इसका भी 700 या 800 रुपीज़ के बीच में था, क्योंकि यहाँ पे 60-70% ऑफ लगा हुआ था हर एक मोस्टली एक सेक्शन में ना पूरा, और इसकी हील्स भी काफ़ी ज़्यादा सही है। इसका ओरिजिनल प्राइस लेकर 1699, बट हमें ये मिला मे बी 800 और 900 रुपीज़ का। सो या गाइस, और मैंने थोड़े बहुत इयर रिंग्स खरीदे थे वहाँ पे, और मेली तो हम हर्ष के आउटफिट के लिए गए थे जो कि हमें मिल गया।
हम एक दो दिन बाद उसको पिक करने जाएंगे, उसका पूरा फिटिंग का जैसे भी उसको चाहिए था वैसे तब मिल जाएगा उसका पूरा आउटफिट। एंड गाइज मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये वेडिंग जो व्लॉग प्रिपरेशन चल रही है अच्छी लगी हो। इनके अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।